तो सी गाइस, हम आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ। तो जस्ट अभी हम फ्री सिग्नल देके आ रहे हैं टेलीग्राम पे, अभी विन कराया था कुछ देर पहले, उसके बाद मैंने कंटेंट बनाने की सोची। तो अभी जस्ट विन करा के अभी हम वीडियो बनाने आए हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना गाइस, उसमें मैं ना सबसे पहले ना गाइस आप लोगों की ना बेसिक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मैंने एक बात नोटिस करी है ना गाइस, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बेसिक रूल ही नहीं पता है। मतलब ट्रेडिंग आप करते जा रहे हो बट आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आज सोचा ना मैं आज आपकी कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे आप डेली प्रॉफिट कर सकते हो, और क्या वजह है कि आप डेली प्रॉफिट नहीं करते हो। वो सारी चीज़ मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि आप मतलब आगे अच्छा से कंटिन्यू कर पाएँ। तो गाइस देखो, आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। आप लोग ना मतलब लॉस किस कारण से करते हो, ठीक है। आप लोग लॉस मेनली इस कारण से करते हो ना गाइस, आप लोग मार्टिनजल स्टेप को ना, आपका मार्टिनजल स्टेप हद से ज़्यादा वन स्टेप होना चाहिए या टू स्टेप होना चाहिए। आप लोग क्या करते हो गाइस, आपका $50 का या $60 का अकाउंट होता है, उसमें आप 3 स्टेप मार्टिनजल फॉलो करके अकाउंट को मोस्टली ब्लो कर देते हो। ये केस मतलब मेरे पास हमेशा आते रहते हैं। मतलब देखो, मार्टिनजल स्टेप फॉलो करना गलत नहीं है, ठीक है, बट ये 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप ये बेवकूफ़ी है। क्लियर बता रहा हूँ, ये बेवकूफ़ी है। मार्टिनजल स्टेप 1 स्टेप यूज़ करना चाहिए, और वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ क्यों 1 स्टेप यूज़ करना चाहिए। कभी कभार आप एनालाइज कर रहे हो मार्केट को, ब्रेकआउट पॉइंट पे सिग्नल दिया, या कभी आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सिग्नल दिया, +1 -1 का एरर हो जाता है, ठीक है। अभी मैं बंदे देखता हूँ 3 स्टेप मार्टिनजल 4 स्टेप मार्टिनजल, मीन्स या कोई सेंस है इस बात की आप 4 स्टेप मार्टिनजल फॉलो कर रहे हो, हैं। इस केस में तो आप हमेशा ही लॉस करोगे, ये रियलिटी है। देखो, और दूसरा जो रीज़न होता है ना आपके लॉस करने का, वो होता है आपका माइंडसेट। अब आप पूछोगे सर माइंडसेट कैसे होता है, कभी भी मैं कोई भी बंदा उठा लूँ आज के डेट में, भाई मैंने इतने बंदे देखे हैं, लाइक मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ, मैंने अगर मैंने मतलब 1000 बंदे देखे हैं ना, तो 990 बंदे लॉस में होते हैं, 10 बंदे प्रॉफिट में होते हैं, जस्ट 10 बंदे ही प्रॉफिट में होते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ उन 990 के साथ ना दिक्कत क्या होती है माइंडसेट में। दिक्कत ये होती है ना गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है ना, आप लोग ना माइंडसेट आपका क्या रहता है कि मेरे को लॉस रिकवर करना है। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में ट्रेड लेते हो, ठीक है, आप ट्रेड तो लेते हो लेकिन आपका माइंड फ्री नहीं होता, आपके माइंड में वो चल रहा होता है मेरा इतना लॉस है, ये है, जिसके कारण आप ना मार्केट एनालाइज तक नहीं कर पाते हो। तो गाइस देखो, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी भी ट्रेड करो फ्री माइंडसेट से करो, बिल्कुल ऐसा माइंड को फ्री रखो, आई डोंट हैव एनी सच लॉसेस, माइंड से निकाल दो कि आपका इतना लॉस है और आपका ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, सब कुछ माइंड से निकाल के ट्रेड करो, बिल्कुल फ्री माइंड से ट्रेड करो। इससे क्या होगा ना गाइस, आप अपना 100% लगा पाओगे। जब आपका माइंड सेट ही नहीं क्लियर होगा ना गाइस, यू कांट इवन पुट योर 100%, दैट्स ऑल, ये रियलिटी है। आपको भी मैं कहूँगा अपना 100% देना है ना गाइस, तो हमेशा फ्री माइंड सेट से ट्रेड करो। एंड देखो, क्यों मैं VIP में ट्रेड देता हूँ मॉर्निंग में, आप लोग ये पूछते हो सर मॉर्निंग में क्यों, सी द रीज़न इज़ सेम, रीज़न जो है वो सेम है, ठीक है, बिकॉज सुबह उठता हूँ मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है। देन द रियलिटी में मतलब उस टाइम मेरा माइंड बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होता है, ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं होता ना कुछ होता है, दैट गिव्स मी अ मतलब ये मुझे ना एक बहुत ज़्यादा मतलब वो प्रोवाइड करता है ना, कि मतलब मैं आराम से अच्छे फ्री माइंड से जाके मार्केट एनालाइज करके आप लोग को सिग्नल दे सकता हूँ। मैं इसलिए सुबह में सिग्नल देता हूँ, माइंड फ्री रहता है। अब दोपहर शाम तक आते आते माइंड में 100 चीज़ें चल रही होती है, 100 चीज़ को सेटल आउट करना होता है, तो ऐसे भी मैं पूरा फोकस नहीं कर पाता। और देखो गाइस, आप लोगों की एक और दिक्कत, ठीक है, आप क्या करते हो गाइस, आप लोग ना ट्रेड लेते हो, ठीक है, आप लोग करते हो भाई कंपाउंडिंग, है। एक बात बता देता हूँ मैं आज रियलिटी आपको, कंपाउंडिंग कैरीज द नेक्स्ट लेवल रिस्क, ठीक है, कंपाउंडिंग में वो रिस्क है ना गाइस, मैं मानता हूँ वो पल में आपको आसमान में बिठा सकता है, तो वो पल में आपके मुर्दे गाड़ने की भी पावर रखता है, ठीक है। तो कभी भी ये याद रखना, कंपाउंडिंग कर रहे हो ना, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता, ठीक है, मैं करता हूँ, मैं रिस्क पे करता हूँ, मेरे पास कैपिटल है, अगर आपके भी पास कैपिटल है करो कंपाउंडिंग, बट आप ये हमेशा माइंड में रखना कि कंपाउंडिंग करोगे 1 रॉन्ग सिग्नल एंड योर अकाउंट विल बी गॉन, ठीक है, ये हमेशा याद रख के करना। एंड देखो, मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि आप लोग का मतलब क्राइटेरिया क्या रहता है, ठीक है। अगर किसी बंदे के पास मान लो $50 है, $100 है मान लो, ठीक है, अगर किसी के बंदे के पास $100 रहते हैं ना भाई,
तो वो बंदा क्या करता है, वो खुद से भी ट्रेड लेगा ना गाइस, तो वो लेगा 20-25 से, ठीक है, 20-25 से लेगा, फिर एक और बारी 20-25 लगाएगा, फिर पूरा लगा देगा, ठीक है, ये करते हैं बंदे। अब मेरे को मतलब ना सबसे ज़्यादा इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा भाई, जब तुम जानते हो कि भाई तुम्हारी इतनी एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है, तुम्हारी इतनी एक्यूरेसी होती तो आज तुम्हारा इतना लॉस नहीं होता, तो तुम क्यों मतलब सीधा कैपिटल का 30-40% रिस्क पे लगा देते हो। अब एक बात देखो, अगर आपकी इतनी अच्छी एक्यूरेसी होती तो क्यों किसी का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते या उसको फॉलो करते या मेरी ही वीडियो क्यों देखते, क्योंकि आप अभी लर्न करना चाह रहे हो और भी ज़्यादा। तो अब देखो, अगर आप अभी लर्निंग स्टेज में हो तो हाउ कैन यू टेक दैट मच रिस्क गाइस, आप इतना रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, ये रियलिटी है गाइस। तो यही चीज़ मैं भी बताना चाहता था गाइस, ढंग से ट्रेड लो, $5-6 से लो, मतलब 5-6% से लो, जिससे कि आप भी ट्रेड कर पाओ। ऐसा नहीं कि गाइस पूरा पूरा अमाउंट ले रहे हो, ऐसे भी मत करो, गैम्बलिंग मत बनाओ, ठीक है, सिंपली ऐसा कहता हूँ। आप चाहो, आपको अगर खुद से अभी एनालाइज, मतलब अभी आप लर्न कर रहे हो, अभी खुद से आप एनालाइज़ नहीं कर पाते हो, तो मैं हूँ आपको लर्न के साथ अर्न कराने के लिए, ठीक है। मैं आपके लिए, मैं डेली सिग्नल देता हूँ, ठीक है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ से मैंने बोला था मंडे से सिग्नल दूंगा, आज भी मैंने एक सिग्नल दिया, क्लियर विन कराया, 2 दिन पहले भी एक सिग्नल दिया था, फ्री ग्रुप में क्लियर विन कराया, और VIP का रिजल्ट तो आप लोग देखते ही हो। तो देखो, आपको स्क्रीन के ऊपर अपना टेलीग्राम चैनल भी शो हो रहा होगा, जितने बंदे ज्वाइन नहीं है फटाफट से गाइस ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहाँ पे हम आपको फ्री सिग्नल देते हैं। देखो, आज भी मैंने आपको फ्री सिग्नल दिया था, मैंने कहा था मैं मंडे से रेगुलर दूंगा, मैंने आज मंडे को दिया भी, ठीक है, बहुत सारे बंदों ने ट्रेड भी के रिव्यू भी दिए, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे। अब देखो, अगर आपको भी मतलब चाहते हो कि मैं ऐसी फ्री सिग्नल कंटिन्यू करूँ, तो इस वीडियो पे भी गाइस 100 लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना कि सर आप फ्री सिग्नल दो, अगर कमेंट आता है, आपका सपोर्ट अच्छा खासा आएगा, देन मैं डेफिनेटली कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, आपके लिए ही करता हूँ गाइस, इतना एफर्ट डाल के अपने पूरे बिजी शेड्यूल में से निकाल के मैं फ्री सिग्नल देता हूँ, उसके बाद मैं फ्री VIP में भी डेली 2 सिग्नल डालता हूँ, ये सिर्फ आपके लिए करता हूँ गाइस, आप सपोर्ट करोगे तो सब कुछ होगा, ठीक है। तो अब आपको देखो उस सिग्नल के लिए करना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, फटाफट से जाओ वहाँ से ज्वाइन कर लो, और फटाफट से ज्वाइन करके अगर आपको VIP ज्वाइन करना है, यहाँ मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट कर लो, वहाँ पे मैं आपको देखो फ्री सिग्नल में एक ही सिग्नल देता हूँ एनालाइज करके, आप VIP में आओगे तो वहाँ पे आपको 2 से 3 सिग्नल मिलेंगे, ठीक है, आप उससे अपनी नीड फुलफिल कर पाओगे। तो VIP में ऐसे भी हमारे VIP कोई भी पेड नहीं है, आपको सिर्फ फ्री मिलेगा, ठीक है, आप फ्री करोगे तो आपको करना है क्या, $50 से डिपॉजिट करना है, ठीक है, और मुझे ID सेंड करनी है, क्योटेक्स का मेरे लिंक से बनाना है आपको, और अभी तक का मैं आपको अगर क्लियर VIP रिजल्ट बताऊं तो आई थिंक मेरे को 1.5 वीक होने वाला है, ठीक है, 1.5 वीक में एक ही OTM हुआ है, मैंने कम से कम भी आराम से 16 से 18 सिग्नल दिए होंगे, आराम से उससे ज़्यादा ही दिए होंगे, अभी तक सिर्फ एक OTM हुआ है अपना, तो एक ही OTM हुआ है गाइस, अभी तक कोई अपना OTM नहीं हुआ। अपन हमेशा बहुत ही बढ़िया रिवर्सल पॉइंट पे ट्रेड लेते हैं, एनालाइज करके ट्रेड लेते हैं, और बहुत अच्छी एक्यूरेसी हमारी निकलती है, मोस्टली 100% निकलती है, आप लगा सकते हो, 1 वीक फुल सिग्नल दिए हैं, एक एरर हो सकता है गाइस कि कहीं पे अपनी एनालिसिस रॉन्ग जाए, हो सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, भगवान तो नहीं है। तो आप फटाफट से, अगर आपको ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, फटाफट से ज्वाइन कर लो। तो देखो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना लगा लो क्या नाम है, ट्रेड के लिए एक सेटअप बना रखा है, देखो यहाँ पे मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, और यहाँ पे देखो जैसे ट्रेंड लाइन को क्रॉस हुआ है, तो यहाँ से मेरे को जो अगली कैंडल है, मेरे को लगती है वो ग्रीन होगी, तो चलो एक ट्रेड भी लेके देखते हैं गाइस, 34 सेकंड रुक जाते हैं, फिर एक ट्रेड लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन जैसे ड्रॉ करी है, वो क्लियर इंडिकेट कर रही है कि अगली कैंडल एटलीस्ट रिवर्सल लेके ग्रीन बनेगी, सो मैं ट्रेड लूँगा, तो वेट कर लेते हैं 23 सेकंड, उसके बाद अपन ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर आपको भी सीखना है इस कैसे करना है तो बता देना, आप कमेंट में डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर लेके आ जाऊँगा, पर्टिकुलर ऐसा सच कोई इशू नहीं है। तो मैंने देखो यहाँ पे मैं अभी ट्रेड लेने वाला हूँ 10 सेकंड बाद, तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले लूँगा, सो वेट कर लेते हैं 3-2, यहाँ पे वेट करते थोड़ा सा, ओके, थोड़ी सी लेट एंट्री हुई है गाइस, थोड़ा पर ने 1-2 सेकेंड का लेट हो गया, चलो छोड़ो, दैट इज़ नॉट मैटर, बट एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए थी, थोड़ी सी ऊपर हुई होगी जैसा कि मुझे लग रहा है। तो अब देखो गाइस, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, अब देखो कि ट्रेड लेने से पहले जहाँ मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी वहाँ से मार्केट ऑलरेडी रिवर्सल ले चुका है, वो रिजेक्शन लेके आया है ऊपर। तो गाइस अब वेट कर लेते हैं अपनी ट्रेड का, 4 मिनट बाकी है ट्रेड में, आई थिंक ग्रीन ही बनेगी है जिस तरह का इसने मार्केट बिहेवियर शो कर रहा है, और जैसा कि मतलब दिख रहा है ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी,
ये ग्रीन ही बनेगी गाइस, बिकॉज क्लियर लग रहा है मेरे को पूरा मार्केट का सेंटिमेंट देख के, जिस तरह से मार्केट बिहेव भी कर रहा है क्लियर, मतलब मेरे हिसाब से ग्रीन बननी चाहिए। और JPY पे हमने ट्रेड लिया है, तो ऐसे ही देखो गाइस मैं एनालिसिस करके ट्रेड लेता हूँ। मेरे को अब देखो एक चीज़ और बहुत आती है कि सर आप सिग्नल ऐसी किसी भी टाइम दे देते हो, तो देखो गाइस मार्केट मेरा नहीं है या मेरे किसी रिश्तेदार का भी नहीं है, ठीक है। तो मैं मतलब ये नहीं है कि मैं जब कहूँगा तभी मेरे को सिग्नल मिलेगा, एक परफेक्ट सिग्नल के लिए कम से कम भी नहीं तो भाई 2 से 3 घंटा एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके आपको एक परफेक्ट सिग्नल दे पाता हूँ, ठीक है। अब वही चीज़ है ना गाइस कि अब मैं 2 से 3 घंटा आपको एनालाइज करके सिग्नल देता हूँ, मुझे खुद नहीं पता रहता कि गाइस कब मुझे सिग्नल मिलेगा, तो मैं कैसे आपको बता सकता हूँ। तो अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो गाइस, आप सिंपली एक काम करो, आप हमारा टेलीग्राम चैनल को अनम्यूट करो और जो हमारे चैनल है उसको पिंटू टॉप कर लो, ठीक है। जब भी हम सिग्नल देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, उससे आप बहुत ही मतलब उससे आपको हेल्प मिलेगी, आप ट्रेड ले पाओगे साथ ही साथ। तो अब देखो गाइस जहाँ मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है ना, वहाँ से मार्केट बार बार टच करके रिजेक्शन ले रहा है, और जैसे कि मुझे लग रहा है ना गाइस पहले 2-3 मिनट रहेगा डाउन, बट लास्ट के 2 मिनट में ये मार्केट अप जाएगा अकॉर्डिंग टू मी, जिस तरह की एनालिसिस है क्लियर, ये मेरे हिसाब से जाएगा। अब देखो रिवर्सल भी ले गया ये, मतलब उस पॉइंट को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है गाइस, तो ऐसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ गाइस, ऐसी रिवर्सल पॉइंट पर मैं ट्रेड लेता हूँ, और भी कहीं सपोर्ट प्राइस एक्शन को देखते हुए भी ट्रेड लेता हूँ। अगर वो भी जानना है आपको तो आप कर देना कमेंट, मैं कैंडल उसके ऊपर लेके आऊँगा। अगर आपको कैंडल फिजिकोलॉजी के ऊपर भी वीडियो चाहिए कैसे अपडेट करें उसके लिए भी कमेंट करो, आप जिस चीज़ की कमेंट करोगे मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है आप ही के लिए। तो यहाँ पे देखो गाइस 2 मिनट 30 सेकेंड बाकी है, वेट कर लेते हैं तब तक, सच इशू नहीं है। और गाइस जितने बंदे नए हैं ना गाइस अभी भी वीडियो देख रहे हो तो भाई सबसे पहले लाइक कर दो, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, फटाफट से ज्वाइन कर लो गाइस, बिल्कुल आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपको फ्री सिग्नल भी मिलेंगे और भी सच काम, मतलब आपकी मतलब ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा आपकी मतलब लाइफ को ईजियर कर देंगे, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज भी डालते रहते हैं, हर वीडियो के पहले आपको बता दिया जाता है कि आज ये वीडियो आने वाली है, और काफ़ी चीज़ हम वहाँ डिस्कस करते हैं, वहाँ पे हम विड्रॉ प्रूफ वगैरह भी डालते हैं, तो आप बिना किसी टेंशन के वहाँ ज्वाइन हो सकते हो। तो मैं प्रेफर करूँगा फटाफट से आप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो गाइस जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट में पहले 2-3 मिनट डाउन चलेगा, बट ये लास्ट के 2 मिनट में मार्केट अप जाएगा, तो ऐसा ही सीन मुझे अभी भी लग रहा है, कैंडल देखना आपकी लास्ट मिनट में ग्रीन करेगा, तो वेट करते हैं गाइस 1 मिनट 37 सेकेंड है, ऐसा इशू नहीं है, ये विन होनी चाहिए, आराम से वेट कर लेते हैं। और जिस तरह से मतलब मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे बुल्स ठीक है, यहाँ पे थोड़े हैं सेल करने वाले लोग हैं, बट ऐसा इशू नहीं है, कैंडल ग्रीन बनेगी जिस तरह से मतलब आप अगर देखोगे तो ये पर्टिकुलर एक लेवल इसने कर लिया ना गाइस, वहाँ से ये नीचे जा नहीं पा रहा है, दैट मींस कि ये कैंडल मतलब चाह तो रही है कि रेड बने, बट इसका जो सपोर्ट है ना वो इसको अलाउ नहीं कर रहा रेड बनने को, तो ये कैंडल जो है ना अपनी ग्रीन ही बनेगी। अब देखो लास्ट मिनट चल रहा है, अब मुझे लगता है यहीं से ये कैंडल चेंज होगी एज सच, देखो तो गाइस ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी, ये गारंटी है। अब आप पूछोगे क्यों, देखो गाइस जब भी मतलब आप देखो कि पहले 4 मिनट में मार्केट अप डाउन चल रहा है एक ही पॉइंट पे, ठीक है ना, क्लियर विन में ना उस पर रिस्की में है बिल्कुल, तो आप लास्ट मिनट में जिस डायरेक्शन में आपके पहले 5 सेकंड में कैंडल बनती है ना उसी डायरेक्शन में बनेगी आपकी, ये रूल है, ये बहुत बार फॉलो होता है, कभी भी देख लेना। जैसे आपने देखा पहले 5 सेकंड ग्रीन थी ना गाइस, तो अब ये देखना पूरी कैंडल ग्रीन ही बनेगी, अब आप देख लेना 27 सेकंड बाकी है, तो यह क्लोज थोड़ी क्लोज ना हो जाए, बिकॉज क्या बताऊँ एंट्री अपनी थोड़ी सी ऊपर हुई है, देख लेते हैं थोड़ी सी मतलब ऊपर हुई है, 1.5 सेकंड लेट भी हुई है, क्या बताएं, थोड़ी सी लगता है किस्मत ख़राब थी, बट आई थिंक विन होनी चाहिए, नीचे एंट्री लगी होती तो क्लियर विन होती गाइस। तो यहाँ पे देखते हैं तो ओके 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 विन होनी चाहिए, तो विन हुई ना, ये देखो गाइस विन हो चुकी है अपनी ट्रेड, कैंडल अगर आप देखोगे तो अपनी ग्रीन बनी है, सच मैंने कहा था अपनी एंट्री थोड़ी सी लेट हुई थी, एंट्री अपन को अच्छी लेनी थी, बट स्टिल हमने ट्रेड विन करी है। तो अब देखो यही फ़ायदा है गाइस क्योटेक्स का, अब आप पूछोगे क्योटेक्स का गाइस यही फ़ायदा है कि गाइस ब्रोकर बिल्कुल मैनिपुलेशन नहीं करता, यहाँ पे बिनोमो ओलिम रहता तो क्लियर आपको लॉस करा देता 1 सेकंड के लेट के चक्कर में।
तो यही फ़ायदा है गाइस क्योटेक्स यूज़ करने का, इसलिए मैं क्योटेक्स यूज़ करता हूँ। तो ऐसे ही देखो गाइस आप प्रॉफिट कर सकते हो। अब देखो एक और मार्केट कंडीशन मेरे पास आई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेट हो गया, अब इंसान ही हूँ, हर मार्केट को एक साथ नहीं देख पा सकता बिल्कुल भी। तो देखो यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे मैं जैसा आप देखोगे आपको क्लियर रिजेक्शन पॉइंट था नीचे की तरफ, मार्केट ऑलरेडी 2-3 बार वहाँ से ले चुका था, बहुत ही अच्छा खासा रिवर्सल वहाँ से हो रहा था, तो ये क्लियर शॉर्ट शॉर्ट था अपने लिए, हम यहाँ पर क्लियर ट्रेड ले सकते थे। बट क्या नाम है, अपने थोड़ा सा हम दूसरे मार्केट पे ट्रेड कर रहे थे तो हम इस पर ध्यान दे नहीं पाए। तो ऐसे सिचुएशन में देखो गाइस आप ऐसे सिचुएशन में भी ट्रेड ले सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, आपने देखा कि मार्केट ऑलरेडी उस पॉइंट से 2 बार रिवर्सल ले चुका है, तीसरी बार उस पॉइंट पे है, आप तीसरी बार भी आप आपके लिए ट्रेड लो, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेगा ही। अब देखो ये मार्केट जो है ना वो एक ना जोन में, मतलब ना एक पर्टिकुलर जोन के अंदर ही चल रहा है। जैसा कि मैं दिखाऊं, ये इसका हाईएस्ट है, ये इसका लोएस्ट है। देखो मैंने दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है, हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट, इसके बीच में ही मार्केट रेंजिंग कर रहा है। अब इस देखो अब इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, आप फ़ायदा ऐसे उठाओ जब गाइस आपका ऊपर मतलब रिजेक्शन पॉइंट मतलब आपका रेजिस्टेंस पॉइंट पे चला जाए आप डाउन के लिए ट्रेड लो, और ऐसे ही आपका सपोर्ट पॉइंट पे है आप अपके लिए ट्रेड लो। ऐसे मार्केट आप बहुत अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हो गाइस। आप ऐसी मार्केट में, ये मार्केट तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसे मार्केट में इस पर बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो ऐसे ही आप कर सकते हो गाइस। आप थोड़ा अपना मतलब पेशेंस से ट्रेड करो, अच्छा खासा प्रॉफिट करोगे, और भी मैंने ट्रिक बताई है उसे यूज़ करो। तो गाइज़ यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको फ्री सिग्नल चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इस वीडियो पे 100 लाइक कर दो, मैं कंटिन्यू करूँगा, और कमेंट्स में सपोर्ट भी दिखाओ।